Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your places. Okay, so students, this is your Hindi session, right? This is your Hindi session. और हम क्या करेंगे अब? Yes, हम आज से क्या करने वाले हैं? आज से एक नई शुरुआत करेंगे. क्या शुरुआत करेंगे? Yes, आप हमेशा इंग्लिश में हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं. बोलते हैं ना इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अब से आपको पता होना चाहिए, जब हिंदी का पीरियड होता है, जब हिंदी की क्लास लगती है, तो हम मैम को क्या बोलेंगे? सुप्रभात. क्या बोलेंगे? सुप्रभात. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों. आज आप हिंदी की क्लास में क्या करने वाले हैं, जो हम पहले पढ़ रहे थे काल के बारे में. ठीक है, तो आज हम दोबारा अगला पेज करेंगे काल से रिलेटेड. ठीक है, तो अब कौन सा पेज करना है? टेक आउट पेज नंबर 41. यस, जल्दी से पेज नंबर 41 निकालिए. वाक्यों में भविष्य काल की क्रिया रेखांकित कीजिए. हमने क्या करना है? भविष्य काल की क्रिया रेखांकित करना है. हमने भूतकाल भी कर लिया, हमने वर्तमान काल भी कर लिया, अब हम करेंगे भविष्य काल के बारे में. ओके, सो दिस इज योर पेज नंबर 41. क्विकली ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 41. वाक्यों में भविष्य काल की क्रिया रेखांकित कीजिए. हमने भूतकाल भी कर दिया, हमने और कौन सा करा है? भूतकाल किया है और वर्तमान काल. आज हम करेंगे भविष्य काल. कुम्हार मिट्टी से सुंदर बर्तन बनाएगा. बनाएगा मतलब फ्यूचर टेंस. नाउ सी मॉड्यूल 8. लखनऊ में भी मेट्रो ट्रेन चलेगी. क्या होगा इसमें? यस, चलेगी, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, जो समय आने वाला है. वैज्ञानिक नए आविष्कार करेंगे, तो करेंगे क्या हो जाएगा? भविष्य काल. धैर्य से शत्रु पराजित होंगे. होंगे भविष्य काल. विद्या धन बांटने से अधिक बढ़ेगा. ये भी क्या है? भविष्य काल. अब नीचे देखते हैं, वाक्यों को भविष्य काल की क्रिया से पूरा करना है. आपने इन वाक्यों को कंप्लीट करना है. इज इट क्लियर? नाउ सी, मैं रात में आराम से ट्रेन से. क्या आएगा इनमें से? आप नीचे, आप क्लाउड्स में वर्ड्स देख रहे हो, ये सब शब्द दिए हैं, इसमें से आपने छांटना है और लिखना है. मैं रात में आराम से ट्रेन से जाऊंगा. वेरी गुड, सो दिस इज नंबर 1. नेक्स्ट, छुट्टियों में हमारा स्कूल बंद रहेगा. वेरी गुड. मैं रेडियो पर मैच का आंखों देखा हाल सुनूंगा. वेरी गुड. नेक्स्ट कम्स, कल लाल किले के मैदान में कवि सम्मेलन का आयोजन होगा. वेरी गुड. इज इट क्लियर? नीचे देखो, भविष्य काल में क्रिया शब्दों का प्रयोग गा गी गे लगाकर किया जाता है. क्या लगता है? गा गी गे, जैसे जाऊंगा, सोऊंगा, सुनूंगा. ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. टर्न योर पेज एंड कम टू पेज नंबर 42. वाक्यों को कोष्टक में दिए गए काल के अनुसार बदलिए. आपको यहाँ पे ब्रैकेट में काल दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपने इस वाक्य का परिवर्तन करना है, इस वाक्य को बदलना है. क्लियर? अब क्या है, जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं. मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, तो हमने किस में कन्वर्ट करना है? ये कन्वर्ट करना है हमने भविष्य काल में. किस में कन्वर्ट करना है? भविष्य काल में. तो क्या लिखेंगे? मैं प्रतिदिन विद्यालय जाऊंगा. इज इट क्लियर? यस, कम टू द नेक्स्ट प्लीज. ओके,
मैं उससे रोज मिलता हूं। किसमें करना है? भूतकाल में। मैं उससे रोज मिलता हूं, ये आपको दिया हुआ है। रोज, रोज मतलब डेली की बात, वर्तमान काल, और इसको भूतकाल में क्या लिखोगे? मैं, आई विल ओनली राइट वन फॉर यू, रेस्ट यू विल डू इट योर सेल्फ। मतलब लिखोगे आप खुद, मैम आपको बताएंगी। मैं उससे रोज मिलता हूं का क्या हो जाएगा? मैं उससे रोज मिलता था, ठीक है, कि मैं उसे रोज मिलता था। क्लियर? तो अब ये किस में हो गया? पास्ट टेंस में, भूतकाल में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, फाइन, ओके। पूर्ण विराम लगाना नहीं भूलना है। सी द नेक्स्ट। दो, छुट्टियों में हम शिमला जाते हैं। इसको हमने भविष्य काल में करना है, भविष्य काल में करो। छुट्टियों में हम शिमला जाते हैं, छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे, छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे। मैम दोबारा बोल रही है, क्या लिखोगे? छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे, मतलब फ्यूचर। क्लियर है? सी द नेक्स्ट, थर्ड, तीसरा देखो, नंबर तीन, छात्र विद्यालय गया। अब इसको हमने किस में करना है? वर्तमान काल में। ये कौन सा काल दिया हुआ है? गया, भूतकाल। छात्र विद्यालय गया, छात्र विद्यालय जाता है, वर्तमान में क्या हो जाएगा? छात्र विद्यालय जाता है, क्या होगा वर्तमान में? मैम बोल रही है, प्लीज साथ साथ लिखिए, छात्र विद्यालय जाता है। सी नंबर चार, नंबर चार देखो, हम सब दिवाली मनाएंगे। ये है भविष्यत काल, मतलब अभी फ्यूचर टेंस का। हम सब दिवाली मनाएंगे, अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? भूतकाल में। हम सब ने दिवाली मनाई, भूतकाल में क्या लिखोगे? हम सब ने दिवाली मनाई, हम सब ने दिवाली मनाई। क्लियर है? ओके, आई होप यू ऑल हैव रिटन। ओके, नंबर पांच, गाड़ी 3 बजे आई, गाड़ी 3 बजे आई, ठीक है। अब इसको किस में करना है? भविष्यत काल, मतलब फ्यूचर में करना है। गाड़ी 3 बजे आएगी, गाड़ी 3 बजे आएगी, जल्दी से लिखो फटाफट से, गाड़ी 3 बजे आएगी। आई होप यू ऑल आर राइटिंग अलोंग विद मी। ओके, नंबर 6, माली ने मालाएं बनाई, माली ने मालाएं बनाई। अब इसको हमने करना है वर्तमान काल में, जो अभी चल रहा है। माली मालाएं बनाता है, माली मालाएं बनाता है, या हम लिख सकते हैं माली मालाएं बना रहा है। क्या लिख सकते हो आप? कुछ भी, माली मालाएं बना रहा है, माली मालाएं बना रहा है। क्लियर है सबको? ओके, अब आपने क्या पढ़ना है? वर्तमान काल में वाक्यों की समाप्ति, ता, ती, ते, या, रहा है, रही है, रहे है आदि पर होती है। वर्तमान काल में क्या होता है? ता, जैसे माली मालाएं बनाता है, ठीक है, या माली मालाएं बना रहा है,
आप देख रहे हो रहा है, ठीक है, कुछ भी। भूतकाल में किससे होता है, था, थी, थे या पर समाप्त होता है, ठीक है, था, थी, थे, क्लियर है। और भविष्यकाल में गा, गी, गे पर समाप्त होता है, जैसे गाड़ी 3 बजे आई, गाड़ी 3 बजे आएगी, ठीक है, क्लियर है। ओके, आई होप पेज नंबर 41 एंड 42 इज क्लियर टू यू। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर योर डेली डायरीज। क्विकली ओपन योर डायरीज, राइट द डेट ऑन द टॉप एंड द होमवर्क इज फॉर हिंदी। व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? डू पेज नंबर 41 एंड 42। So complete your page, write neatly and send me your work on daily basis. Is it clear? Okay. Bye. Thank you. Stay home and stay safe.